हरे कृष्ण। आज 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 सबको यहाँ पर सिंहराज आचार्य प्रभु नहीं आए तो, और दामोदर सखा प्रभु भी नहीं है, इसलिए मुझे ये सेवा दिया गया है। आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ और आपसे सबसे आशीर्वाद भी पाना चाहता हूँ कि मैं आप सबकी सेवा कर सकूँ। यहाँ पर मेरे में कोई गुण नहीं है यहाँ पर बैठ के यहाँ पर प्रवचन देने का, मगर ऐसा सीनियर डिवोटीज ने मुझे आज्ञा दिया है, इसलिए मुझे यहाँ पर बैठ के आप सबका सेवा करने मात्र यहाँ पर आया हूँ और कुछ हरी श्रवण करते हैं। इसलिए आप सबसे याचना करता हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। हम लोग चैतन्य चरितामृत का मैं एक्चुअली एक श्लोक लेना चाहता हूँ। इसमें अभी हम लोग ने रिसेंटली होली के रंग पंचमी के दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन था, तो उस दिन उसे गौर पूर्णिमा के नाम से हम उसको सेलिब्रेशन करते हैं। और चैतन्य चरितामृत ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा था, उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने लिखा है कि पाया मनुष्य जन्म ये ना सुने गौर गुण, हे न जन्म तरा व्यर्था हैला, पाया अमृत धुनी पिए विषग्रता पानी, जमिया से केन नहीं मेला। एक्चुअली ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बंगाली श्लोक में लिखा है, इट्स नॉट अ संस्कृत श्लोक, तो इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे। पाया मनुष्य जन्म ये ना सुने गौर सुगुना, हे न जन्म तारा व्यर्थ हैला, मतलब इसका मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी अगर हम अगर चैतन्य महाप्रभु के बारे में न जान पाए या उनके विशेष गुणों के बारे में हम अगर सुने नहीं तो हमारा ये जन्म व्यर्थ है। अगर हम कोई भी भक्ति में हो अगर चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर सुना नहीं है तो ये हमारा जीवन व्यर्थ है, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। और दूसरे पंथ में ऐसा कहते हैं कि पाए अमृत धुनी पिए विषय ग्रता पानी, जमिया से केने नाही मैला, मतलब गौरंग महाप्रभु के अमृत वाणी सुनने के बाद भी अगर इस भौतिक जगत में हम लोग को विष पीने की अगर इच्छा है, यानी कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग ड्रिंक्स रहते हैं कि मनुष्य जन्म में आके हम लोग को उसका आस्वादन करते हैं, तो उसको कहा गया है कि ये गटर के पानी के समान है और इसके स्वाद ले रहे हैं हम लोग, गटर का पानी का स्वाद हम लोग ले रहे हैं अगर मनुष्य जन्म आने के बाद भी और चैतन्य महाप्रभु के अमृत वाणी सुनने के बाद भी अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जन्म होते ही अगर वो व्यक्ति मर क्यों नहीं जाता है, ऐसा आदमी अगर ऐसा चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने के बाद भी ऐसा अगर वित करता है तो उसको जन्म होते ही मर जाना चाहिए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट देते हैं वो। जिस समय महाप्रभु का जन्म हुआ था उस समय उनके आने से पहले बहुत सारे विद्वान जो लोग उस समय थे वो लोग सभी वेद शास्त्रों का पठन सब उनको पता था, मगर इतना सिंसियरली फॉलो नहीं करते थे। उस वक्त महाप्रभु आने के पहले की बात है कि वो लोग गुड्डा गुड्डी का शादी लगाने में बहुत उनको इंटरेस्ट था, बिल्ला कुत्ता और कुत्ती का शादी लगाने में इंटरेस्ट था उनको, और बिल्ला और बिल्ली का शादी लगाने में इंटरेस्ट था, और साल में एक आधा कोई अगर प्रोग्राम है या कृष्ण जन्माष्टमी है रामनवमी है उस दिन वो लोग गोविंद का या तो हरि का नाम लेते थे, और साल भर वो लोग कुछ नहीं करते थे। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण विद्वान थे जो चार नियमों का पालन भी नहीं करते थे। महाप्रभु उस समय आने का कारण यह है कि फिर से धर्म की स्थापना उनको करनी थी, कि धर्म का बहुत सारा मतलब व्यवस्था बहुत बिगड़ गया था उस वक्त, और धर्म का फिर से स्थापना करना था। कि कृष्ण भगवान कहते भी है भगवद्गीता में कि यदा यदा ही धर्म से, इस श्लोक में भगवान कहते कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार आऊँगा जब जब ये धर्म की ज्ञानी होती है। अगर धर्म अगर अपने स्थिर से हट जाता है उस वक्त,
सबसे, और अद्वैत आचार्य की पुकार सुन के उन्होंने ये अवतार लिया था कि अद्वैत आचार्य एक बहुत ही बड़े संत हैं उनके पुकार सुन के। और दूसरा कारण और एक है उनका जन्म लेने का, कि श्रीमती राधा रानी का जो मूड है, उनको सेपरेशन का जो मूड है वो उनको समझना था, तो उसका आस्वादन करना चाहते थे। महाप्रभु का जन्म वेस्ट बंगाल में मनोद्वीप में 1486 फेब को हुआ था। अगर आज भी अगर आप किसी ज्योतिष को अगर ये उसका टाइम, उसका डेट और उसका ईयर बताओगे और उसको बोलोगे इसका अगर पंचांग निकालना है या तो उसका कुंडली निकालना है, वो ज्योतिष को तुरंत समझ में आएगा कि ये जो कुंडली है कोई साधारण व्यक्ति का नहीं है, कोई महापुरुष या तो ये भगवान का कुंडली है। आज भी बहुत सारे व्यक्ति को आप दिखा सकते हो, उसका टाइम भी दिया गया है कि शाम को शाम के समय 6:30 बजे का आसपास उनका जन्म हुआ था। हमें महाप्रभु के जन्म के मूल कारण को समझना होगा, और उसका जो मूल कारण है उसके पीछे कि हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए महाप्रभु यहाँ पर आए थे, और उनको युग धर्म स्थापना करना था। युग धर्म जो धर्म अपने स्तर से निकल गया था उसको युग धर्म को फिर से स्थापना करना था, इसलिए हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने आए थे वो। और दूसरा एक कारण यह है कि उनको एक कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना था। महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन उन्होंने हरिनाम प्रचार करने के भेदभाव से नहीं किया था, मतलब किसी को हरिनाम देते वक्त उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था, वो शूद्र हो, चांडाल हो, ब्राह्मण हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्षत्रिय हो, कोई उन्होंने वर्ण नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सबको हरिनाम उन्होंने बांट दिया। हरिनाम को हम लोग महामंत्र कहते हैं। इस युग में आपको अलग अलग मंत्र मिलेंगे, पर महामंत्र किसी को नहीं कहा जाते, उसको मंत्र कहा जाता है। बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि सुबह उठते गायत्री मंत्र करते हैं, कोई सूर्य मंत्र करते हैं सूर्य को भगवान को पानी चढ़ाते वक्त, कोई शनि मंत्र करते हैं जिसको शनि का दोष हो, कोई अलग अलग देवी देवताओं का मंत्र करते हैं उनको दोष हटाना होता है, मगर ये महामंत्र उसको कहा जाता है जो हरे कृष्ण महामंत्र को कहते हैं। और हरि नाम ये महाप्रभु ने इसका प्रचार किया है। इसको हम दो तरह से पहचान सकते हैं, एक बहिरंग का कारण है महाप्रभु का यहाँ पर आने का, और एक अंतरंग का कारण है। बहिरंग का कारण जो है वो कलयुग में उनको आने का है, वो हरिनाम प्रचार का है, और एक अंतरंग का जो कारण है उनको तीन इच्छाएं अपनी पूरी करनी थी। रूप गोस्वामी ललिता माधव में लिखते हैं कृष्णा लीला में कि उनके तीन इच्छा अधूरी रह गई थी कृष्णा भगवान के समय में। कृष्णा भगवान की तीन अच्छी इच्छा अधूरी रह गई थी। पहला कारण श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है ये उनको समझना था, ये उनकी इच्छा थी, कि उनको पता है कि ये श्रीमती राधा रानी, ये गोपी उनके ऊपर असीमित प्रेम करते हैं, पर उनको ये समझना था कि वो असीमित प्रेम क्यों करते हैं उस पर, तो उसका एक उनको आस्वादन, उनको एक इच्छा थी कि मुझे वो टेस्ट करना है मुझे कि ये असीमित प्रेम क्या होता है। दूसरा रूप माधुरी उसको कहते हैं। रूप माधुरी मतलब ऐसा है कि श्रीमती राधा रानी का रास रानी में सुंदरता का आस्वादन करती हुई है कि ये मुझे कैसे आस्वादन करना होगा, मतलब श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर है और रासलीला में उतनी सुंदर दिखती है, उसका आस्वादन उनको करना है, तो ये सेकेंड कारण है उसका। और तीसरा है कि आस्वादन करना है कि इतना अधिक प्रेम कोई किस पे कैसे कर सकता है, इतना अधिक प्रेम, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि एक बार नारद मुनि अपने भगवान को पूछते कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है इस जगत में, तो नारद मुनि को पूछते तो भगवान कहते कि आप जाइए और सब जगह इंक्वायरी कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे मेरा बड़ा भक्त कौन है। तो जाते और भगवान कहते कि उसको ये पूछना, आपको ये टेस्ट दिया जाता है कि उनको ये पूछना कि मेरा सर दर्द कर रहा है और मुझे ना अपने भक्तों का चरण धूली चाहिए, उससे मेरा सर दर्द कम होगा। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पर वो जाते हैं, उनको बोलते कि भगवान का आइए नारद मुनि आप कैसे है, बोला हाँ भगवान से मिलके आया और भगवान का बहुत सर दर्द कर रहा है और उस उन्होंने कहा है कि कोई अपने भक्तों का चरण धुली, तो आप ऋषि मुनि इतने सालों से आप तपस्या कर रहे हैं कि आपका चरण धुली आप देने को तैयार है, भगवान का सर दर्द कर रहा है। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे चरण धुली देंगे हम, मैं चरण धुली देंगे तो मुझे पूरा जन्म में मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से निकल जाते हैं।
फिर दूसरे याद है कि ब्राह्मणों को पूछते हैं कि आप भगवान के इतने पेट पाटन के शास्त्र के आप आपको जानकारी है, तो भगवान ये चाहते हैं कि उनके भक्तों का चरण धुली चाहिए ताकि उनका सरदर्द कम हो, क्या आप दोगे क्या? तो बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान भी बोलते नहीं नहीं हम कैसे देंगे, भगवान को हमारा चरण धुली देने से हम नर्क में जाएंगे। तो वहाँ से फिर नारद मुनि जाते हैं वृंदावन में गोपियों के पास, और वहाँ पर गोपियों वीरा में रहती है, कृष्ण भगवान की वीरा में, और वहाँ पर वो भगवान को हमेशा स्मरण करती रहती है। तो वहाँ पर उनको गोपियों को कहा जाता है कि भगवान को शर्त कर रहा है, क्या आप अपनी चरण धुली देने को तैयार है क्या? वो तुरंत तैयार हो जाती है और अपनी चरण धुली देते निकालती है, और जितना भी डस्ट है निकालने को तैयार हो जाते हैं। वो बार बार पानी में आते हैं और बाद में किनारे पे आते हैं, किनारे पे आके जितना भी धूल लगता है वो और निकाल के देते हैं, ले ले लो ले लो। तो नारद मुनि से क्या आपको डर नहीं है इस बात का कि आप चरण धुली कृष्ण भगवान के सिर पे लगने से उनका सरदर्द कम होगा मगर आपको नर्क भोगना पड़ेगा हमेशा के लिए? बोलता है यही तो हमारा प्यार है, हमको कृष्ण भगवान से कुछ रिटर्न भी नहीं चाहिए, अगर हमारा चरण धुली देने से अगर उनको एक क्षण भर भी अगर उनको आराम मिलता है तो हमारा ज़िंदगी भर अगर हमको नर्क में रहना पड़े तो भी हमको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको एक शुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो इसका कृष्णा भगवान आस्वादन करना चाहते थे कि शुद्ध भक्ति ये गोपियों के पास है, इतना हमसे क्यों प्रेम करते हैं, मुझ पर क्यों प्रेम करते हैं, ये उनको समझना था। तो ये तीन कारण है जो कृष्ण वजह से कृष्णा भगवान कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और इस तरह सची गर्भ सिनाधु हरिधुन मतलब के कारण है कि कृष्ण श्री सची माता के गर्भ में जन्म लेते हैं। सची माता के घर में जन्म लेते हैं तो एक पेड़ के नीचे उनके घर के बाहर एक वृक्ष होता है, वो नीम का पेड़ होता है, और उसके नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है। जब जन्म होता है तो उस नवद्वीप के परिसर में सभी लोगों को आनंद का एकदम अभाव होता है, सबको एकदम एक्सपीरियंस होता है, एकदम आनंद हो रहा है हमको और हमको एकदम नाचने को मन कर रहा है, ऐसा क्या हुआ है कि अभी तो हम लोग थोड़ी देर पहले दुखी थे यार, हम लोग कुछ और चर्चा कर रहे थे, अचानक मुझे नाचने को मन कर रहा है, आनंद हो रहा है। तो फिर किसी को समझता है कि यहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा के घर में उनको पुत्र हुआ है और बहुत ही सुंदर बालक है, तो सब लोग एकदम आनंद से बोलते हैं कि हाँ हमको जाके देखना चाहिए। तो सारे मायापुर के वासी लोग सब जाते हैं वहाँ पर, इकट्ठा होते हैं और उनके घर पे जाते हैं और अलग अलग भेंट लेके जाते हैं, वस्तु लेके जाते हैं, जड़ी बूटी लेके जाते हैं बच्चों को माँ को देने के लिए, अलग अलग भेंट घी और अपना लड्डू मिठाइयाँ और अपना अलग अलग जड़ी बूटी सारे व्यंजन, कोई कोई अपना परिस्थिति के हिसाब से कोई अपना गोल्ड कॉइन्स कोई अलग वही सबसे लेके जाते हैं। और श्रीमती सची देवी देखती है कि इन सबको मैं पहचानती हुई, हमारे सब गांव वाले हैं, मैं उसके विपरीत भी ऐसे कुछ और व्यक्ति लोग भी आ रहे हैं उनके घर में जिनका चेहरे पे तेज बहुत ही एकदम अद्भुत है और उनका शरीर ऐसा नॉर्मल शरीर नहीं है, हम आदमियों के शरीर के जैसे नहीं, उनका एक शरीर अलग व्यवहार जैसा लग रहा है, वो औरतें भी एकदम बहुत एकदम तेजस्वी लग रही है और इनको कभी देखा नहीं है नवद्वीप में या तो मायापुर में, ये कौन है? एक्चुअली सभी देवी देवता भी है ना उस वक्त आ जाते हैं महाप्रभु को देखने के लिए, उनका दर्शन लेने के लिए। तो सची माता तो ऐसा पूछ नहीं सकती है कि आप कौन हो, आप किस लिए आए हो हमारे घर में, क्यों एकदम लाइन लग जाता है उनके घर पे, ब्रह्मा शिव भगवान अलग अलग, इंद्र इंद्रायणी ब्रह्मा ब्रह्मायणी सब 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 एकदम सबका लाइन लग जाता है, सब अलग अलग वेश में आते हैं मगर उनका चेहरे पर एकदम बहुत सारा तेज रहता है। तो सब परेशान होते हैं, इतना सारा क्राउड अचानक मेरे घर पे क्यों लग गया है, मेरे बच्चे को किधर नज़र ना लग जाए, इतने सारा क्राउड आ गया हमारे घर पे। तो सची माता उसको कवर करती है, उसको काला टीका लगाती है। तो महाप्रभु भी बहुत खुश होते हैं अपने भक्तों लोग को सबको मिलके। उसके बाद कुछ दिनों के बाद महाप्रभु का थोड़ा सा एक तीन या चार महीने के हो जाते, तो तभी एक अन्नप्राशन का टाइम आता है ना उस वक्त, तो उस वक्त वहाँ पर सची माता अपने बेटे को लेके आंगन में आती है और कुछ उसे घुमाते रहती है। उस वक्त अचानक देवी देवताएं ऊपर से आते हैं, सची माता के हाथ से बच्चे को लेते हैं, उसको एक वेसल में रखते हैं जहाँ पर उसका अभिषेक करते हैं, दूध दही अमृत से सब अभिषेक करते हैं। सची माता वो चिल्लाना है उसको कुछ बताना है, अपने जगन्नाथ मिश्रा जी को बुलाना है मगर उनका वो कंठ है ना चौक हो जाता है, वो आवाज़ नहीं निकलती उनके से और वो एकदम स्टैचू हो जाती है और सारा दृश्य देखती रहती है
कि मेरे बच्चे को उसने एक पात्र में रखा है, उसका अभिषेक कर रहे हैं और अलग अलग देवी देवताएँ कर रहे हैं और पूरा अभिषेक नीचे बह रहा है ज़मीन पे, और महाप्रभु अभिषेक होने के बाद वो उसमें से पात्र में से उठ के नीचे चलते आते हैं और उनके चरण धुली के जहाँ जहाँ पर अभिषेक पंचामृत लगता है वो सब वहाँ पर देवी देवता उठा के वो लोग चखते हैं, सिर पर लगाते हैं। सच्ची माता ये सब देख के एकदम परेशान हो जाती है और अचानक महाप्रभु फिर बाद में नीचे उतरने के बाद उनके पास आ जाते हैं तो देखते हैं सभी देवते गायब हो गए, वो चरण अमृत गायब हो गया, सब गायब हो गया। फिर अचानक उनके आवाज़ आता है, फिर वो जगन्नाथ बाबा को बुलाती है और देखे वो क्या हो गया, क्या हो गया जगन्नाथ बाबा, बोलते क्या हो गया, कुछ नहीं है यहाँ पर, नहीं 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 देवी देवता आए थे, इसका अभिषेक कर रहे थे, ये कर रहे, नहीं 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 तुमको भ्रम हुआ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम ऐसे तुम्हारा नींद नहीं हुआ रहेगा, बच्चे रात को रोते हैं तो आप नींद पूरा नहीं हुआ रहेगा, इसलिए आप ये कर रहे हो। तो इस तरह सची माता ये देखती है, तो यशोदा मैया का ये रूप है सची माता और नंद बाबा का ये रूप है जगन्नाथ मिश्रा बाबा जी महाराज। नरोत्तम दास एक जगह लिखते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में, लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति रसा भवितमति क्रियतम कति कुलोपि लभायते तत्र लोभ्यम अपि मूल्यम अकलम जन्म कोटि सुक्तेर्न लभायते। मतलब हजार जन्म के पुण्य कर्म भी हमें अगर कृष्ण भक्ति से शक्ति अगर हमें लोभ नहीं आता है, मतलब हजार जन्म लेने के बाद भी और कृष्ण भक्ति के प्रति हमको अगर उसके प्रति लोभ नहीं आता है तो हमको इस जन्म लेके कोई फायदा नहीं है हमको। और कृष्णा भगवान का ये जो रूप है इसमें उनका लालच भी होता है, जैसे कि अलग अलग जन्मों में आप देखते हो कि विष्णु भगवान अलग अलग रूप लेते हैं तो सबके पीछे उसका एक कारण है, उसमें लालच है। जैसे गौरांग महाप्रभु का अवतार लेने के पीछे भी उनका एक लालच है उसके पीछे, जैसे कि लोभ बोलते हैं ना लोभ। कृष्णा भगवान खुद भगवद गीता में बताते हैं कि आप काम क्रोध लोभ से दूर रहिए, अगर आप इसके तीनों चीज़ अगर आप लेके चलते हो तो आपको नर्क का द्वार देखना पड़ेगा, अगर ये तीनों चीज़ से आप मुक्त होते हो तो आपको मेरा धाम प्राप्त होगा। मगर दूसरी जगह यहाँ पर लिखा गया है कि कृष्णा भगवान को यानी कि महाप्रभु को एक लोभ था इसलिए वो उन्होंने अवतार लिया था और भगवान को भी लोभ था अलग अलग अवतार में, तो ये लोभ को हम लोग कैसा समझेंगे। इससे हम लोग भौतिक दुनिया का लोभ, हमारा जो लोभ है वो अलग है, हमारा लोभ है कि हमको भौतिक दुनिया का कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को सुंदर गाड़ी चाहिए, अलग अलग लोभ है, मगर भौतिक दुनिया का लोभ है। मगर कृष्णा भगवान या तो महाप्रभु या तो विष्णु भगवान का जो लोभ है वो ये भौतिक दुनिया से टोटल अलग है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले उनको जो लोभ आया था तो एक्चुअली कैसे भगवान है, उनके पास सारी शक्तियाँ हैं और उनको एक वीर रस उनको चखना था, तो वीर रस चखना था तो उनको किसी से फाइट करना पड़ेगा। अभी किसी से फाइट करना है मतलब वो उसको या तो उनके बराबर का होना चाहिए या तो वो कम से कम एक स्टेप नीचे तो होना चाहिए, पर भगवान के बराबर तो कोई नहीं है जो उनसे फाइट कर सके। तो बोले ठीक है मेरा भक्त है उसको मैं कुछ शक्ति प्रदान करूँगा जिससे वो मेरे बराबर नहीं पर कम से कम एक दो स्टेप नीचे हो जाए, ठीक है। तो अभी क्या है कि भगवान के जो द्वारपाल है वो है जगाय और जय विजय ये जो भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल है वहाँ पर ब्रह्मा जी के चार कुमार आते हैं और वहाँ पर उनको एंट्री चाहिए रहती है कि वैकुंठ में एंट्री करना है, मगर जय विजय को एंट्री नहीं मिलता है वहाँ पर क्योंकि उनको वहाँ पर रोका जाता है, क्यों होता है कि तुम्हारा आई कार्ड दिखाओ, तुम्हारा एंट्री पास नहीं है यहाँ पर वैकुंठ में आने का, तो ऐसा कोई डायरेक्ट आ नहीं सकता वैकुंठ में, तो आप लोग कैसे आ सकते हो और तुमको तुम्हारे पास तो कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है कि तुमको पास दिया गया है कि अंदर आने के लिए। तो वहाँ पर उसको रोकते तो चारों कुमार जो ब्रह्मा के पुत्र है तो उनको क्रोध आता है, उसको एंट्री नहीं मिल रहा है, तो वो श्राप देते हैं जय विजय को श्राप देते हैं। तो जय विजय को बोलते हैं कि तुम है ना यहाँ पर वैकुंठ में ना रहने के लायक नहीं हो, जाओ तुम भौतिक दुनिया में जाओ और वहाँ पर राक्षस का जन्म ले लो। तो ऐसे सुनते ही भगवान अंदर अपने ध्यान में रहते और तुरंत भाग के बाहर आते हैं और बोलते हैं कि चार कुमार से क्षमा याचना करते कि ये मेरे दो भक्त हैं इनको आप क्षमा कर दीजिए, ये सही में मेरा आज्ञा का पालन कर रहे थे इसलिए वो आपको रोके थे और उनको सही में पता नहीं था कि आप कौन हैं और कितने बड़े भक्त हैं इसलिए आप इसको क्षमा कर दीजिए। तो उस वक्त वहाँ पर चार कुमार कहते कि अभी हमने इसको श्राप तो दे दिया मगर इसको हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं इसको कम स्तर पर। तो उसको बोलते कि या तो आप तुमको
हजार जन्म भक्त का देता हूँ मैं एक ऑप्शन, हजार जन्म भक्त का या तो चार जन्म राक्षस का। तो वो बोलता है कि हम भगवान से दूर नहीं रह सकते, इसलिए चार जन्म राक्षस का मुझे चलेगा। तो फिर वो चार जन्म राक्षस कर लेते हैं। तो फिर वो पहला जन्म जो उनका होता है उसमें वो बन के आता है हिरण्यकश और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश और हिरण्यकश्यपु को भगवान को मारने के लिए नीचे आना पड़ता है। और पहला उनका जो हिरण्यकश्यपु को मारने को आते हैं वो आते हैं वरा अवतार में। वरा अवतार में वो धरती माता को हिरण्यकश्यपु क्या करते हैं, वो चुरा लेते हैं, उसको ऑर्बिट से चुरा के उसको नीचे पाताल लोक में वहाँ पर एक समुद्र में जाके डुबा देते हैं। और नीचे पाताल लोक में समुद्र जो है बहुत गंदी चीज़ है, वहाँ पर वो गंदा पानी वगैरह ऐसा है। अभी वो गंदे पानी में डाई मारने के लिए भगवान को एक रूप लेना है। तो भगवान किसका रूप लेते हैं, वो एक सुअर का रूप लेते हैं, वरा। तो सुअर जो है वो बराबर गटर में जाके अंदर जाके वो बाहर निकलता है। तो बराबर वो पानी में उड़ी मारता है, वहाँ से धरती माता को अपने जो टस्क है जो दांत है उसके ऊपर बिठा के उसको बाहर निकालते हैं और अपनी जगह पर रखते हैं और हिरण्यकश्यपु से युद्ध करके उसको मार देते हैं। और उसके बाद वो आता है नरसिंह भगवान के अवतार में, जब वो अपने प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए हिरण्यकश्यपु जब बहुत अत्याचार करते हैं प्रहलाद महाराज पे, तो खंभे से उतर के आते हैं, खंभे से निकल के आते हैं और हिरण्यकश्यपु को मार देते हैं। हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद फिर बाद में ना नरसिंह भगवान है ना का उनका ना दो तरह का अवतार है, दो तरह का रूप है। दो, ये पहला रूप है उसका उग्र और दूसरा है अग्र। अग्र मतलब वो शांत रूप है और उग्र मतलब एकदम टेरिफिक, एकदम गुस्से वाला रूप है। तो गुस्से वाले रूप में वो जो आता है एकदम उग्र रूप में और वहाँ पर वो तांडव करना चालू कर देते हैं हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आता है कि मेरे बच्चे को, मेरे प्रहलाद को इसने बहुत सताया है और इसने बहुत एकदम मेरे भक्तों को तकलीफ दी है। तो भगवान का तांडव देख के ना सभी डर जाते हैं। अभी वो तांडव ऐसा करते हैं जैसे कि शिव भगवान जो अंतिम समय पर जब तांडव करते हैं वैसे तांडव भगवान उस वक्त करते हैं। तो शिव भगवान भी परेशान होते हैं कि ये तांडव तो मेरा जो ऊपर ये भगवान कर रहे हैं और भगवान तो बहुत गुस्से में है। तो उसको भगवान को शांत करने के लिए सभी देवताएँ प्रयत्न करते हैं मगर कोई उसमें सफल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि लक्ष्मी देवी को बुलाते होते कि आप जाइए, आपके पति है, आप जाके उनको शांत कीजिए। तो नसीब भगवान इतना गुस्से में रहते टेरिफिक रहते, उसको देख के भी लक्ष्मी देवी डर जाती होती, नहीं भगवान को मैंने एकदम शांत और मुस्कुराते हुए देखा है, ये भगवान का जो रूप है इससे तो मुझे भी डर लग रहा है, मैं आगे नहीं जा सकती हूँ। तो क्या करते हैं उस वक्त सभी देवी देवता और ब्रह्मा जी मिल के प्रहलाद महाराज की वजह से भगवान ने ये अवतार लिया, तो प्रहलाद महाराज को आगे बढ़ते कि आप जाइए और भगवान को शांत कीजिए। जैसे एक पिता या तो एक हस्बैंड घर पे आता है और उसका मूड देखे उसकी पत्नी को लगता है कि ये शायद ऑफिस से एकदम गुस्से में आया है या तो वे ऑफिस इधर बिजनेस करके आया एकदम गुस्से में आया घर पे, तो उसका एकदम चिड़चिड़ापन है, तो उसको समझ जाता है कि ये चिड़चिड़ कर रहा है, मतलब इसका एक गुस्से में आया है घर पे, एंट्री मारा है। तो उसमें वो क्या करती है, पत्नी क्या करती है, वो खुद आगे जाते नहीं है, वो अपने छोटे बच्चों को आगे भेज देती है। वो छोटे बच्चों को देखे ना कितना भी बड़ा गुस्से वाला आदमी हो या कितना भी बड़े गुस्से वाले, तो वो शांत हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं और उसको पास में लेते हैं और बच्चे को इंक्वायरी करते हैं, कैसा था आपका स्कूल, कैसे है आप, क्या होमवर्क दिया टीचर ने, आपने खाना खाया क्या। तो एकदम शांत होते हैं और एकदम ऐसा पूछते। तो ऐसा उस तरह नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को अपने गोदी में बिठा के उससे फिर इंक्वायरी किया कि मुझे आप माफ़ कर दो, मैंने बहुत देर लगा दिया आपको बचाने में। और उसको मतलब वो नरसिंह अवतार में थे तो एक शेर का वेश में थे, तो शेर जैसा अपने बछड़े को चाट के उसको अपना प्रेम व्यक्त करता, ऐसा नरसिंह भगवान व्यक्त कर रहे थे। तो नरसिंह भगवान व्यक्त कर रहे थे उस वक्त, नरसिंह भगवान को ऐसा लगा कि मैं जैसा वात्सल्य रूप, मतलब जो माता पिता का जो प्रेम है उसको वात्सल्य रूप के वात्सल्य कहता है, तो मतलब माता पिता का ये वात्सल्य रूप है जिस तरह मैंने प्रहलाद महाराज को दिया था, ये आनंद तो मुझे भी चखना है, मुझे कौन देगा ये आनंद, मैंने तो प्रहलाद महाराज को दिया है आनंद। तो ये लोभ, ये इच्छा उसमें जागृत हुई, तो बोला इससे पहले तो मैं भरा रूप में आया, तो मैं ब्रह्मा जी के नासिका से आया था, उन्होंने एक्सेल किया उसमें से मैं निकला, अभी इस बार मैं आया तो मैं खंभे में से निकला, मेरे कोई माता पिता तो नहीं गए। तो अगली बार वो क्या करते हैं कि इस वक्त मुझे माता पिता चाहिए मुझे, और मुझे वो माता पिता का वात्सल्य आस्वादन कर रहे हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के रूप में आते हैं, तो उनको दशरथ महाराज, कौशल्या माता, तीन माताएँ मिलती है और सभी उनको बहुत प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि कोई किसी में भेदभाव ही नहीं रहता है कि ये अगर कौशल्य का पुत्र है या सुमित्र का पुत्र है या तो कैकेयी का पुत्र है। सभी माताएं राम भगवान से, विशेष करके राम भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। तो एक
प्रसंग ऐसे ही आते हैं कि राम जी भगवान जब छोटे थे तो उस वक्त राम भगवान का बाल कांड में ज़्यादा उनका कुछ वर्णन नहीं आता कि ज़्यादा उन्होंने नटखट कुछ किया है, ऐसा कुछ किया है, मगर एक विशेष पास्टर में जो केके के साथ भी हुआ था, तो हम लोग सब लोग केके को कहते कि इसके वजह से राम भगवान को वनवास जाना पड़ा, ये किया। तो राम भगवान जब छोटे थे वो बोलते केके माता को, माता अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ क्या आप मुझे दोगे क्या? तो उस वक्त माता कहती है कि बेटा आपको क्या चाहिए आप बताइए, मैं अपने प्राण भी देखे भी वो चीज़ को अगर मूल्य चुकाने चाहती हूँ तो मैं चुका दूँगी। तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं कि माता मैं ऐसा चीज़ कोई मांगने जा रहा हूँ कि जिसके वजह से आपका नाम इस जगत में ख़राब हुआ। तो माता कहती है ठीक है कोई बात नहीं, ख़राब हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं वो चीज़ देने को तैयार हूँ। बोलते सोचिए माता वो ख़राब तो होगा पर उसके वजह से आपको ना विधवा का रूप लेना पड़ेगा, आप विधवा हो जाओगे वो चीज़ देने से। तो माता दो चीज़ के लिए दो मिनट के लिए शांत होती है। किसी भी स्त्री के लिए अगर ऐसा कोई मांगे कि वो चीज़ देने से आप विधवा हो जाओगे तो कोई स्त्री रेडी नहीं होगी, और उस वक्त कह कही माता बोलती है ठीक है बेटा मैं इस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ कि मैं विधवा बनने को तैयार हूँ, अगर वो चीज़ मैं आपको देके मैं आपको अगर आनंद दे सकती हूँ। तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान उस वक्त कहते हैं माता को कि आप मुझे है ना एक टाइम आएगा जहाँ पर आप मुझे 14 साल के लिए आप मुझे वनवास के लिए भेज दीजिए। और ये सुनते ही कह कही माता धड़ाम करके बेशुद्ध होकर गिर जाती है। तो थोड़ी देर के बाद उस शुद्ध पे आती है तो कह कही माता बोलती है कि मैंने वचन तो दे दिया प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को कि ये मैं उसको दूंगी, मगर ये समय भगवान करे आए नहीं मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि ये बहुत ही कठिन समय है। ऐसा नहीं कि उनको विधवा होने का डर था या उनका बंधा भी से डर था, उनको था कि भगवान मेरे से प्रभु श्री रामचंद्र भगवान मुझसे दूर हो जाएंगे और भगवान को मैं एक क्षण भी दूर नहीं देख सकती हूँ मेरे से। तो ऐसा वो प्रेम है जो असल प्रेम है। तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को बहुत आनंद हुआ इस ये सारे प्रेम जान के। और थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर उनको जब वनवास में वहाँ पर उनको मित्र मिलते हैं, उनके दो मित्र होते हैं, पहले मित्र होते हैं सुग्रीव और दूसरे मित्र होते हैं विभीषण। मगर इस मित्र में भी एक थोड़ा सा फ़र्क है, ऐसा फ़र्क है कि वो मित्रता में कि भगवान के साथ एकदम जॉली नहीं है वो मित्र, मतलब उसमें ना उनका एक स्टेप बिहाइंड है। विभीषण जी और सुग्रीव जी है ना हाथ जोड़ के प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को एक्सेप्ट करते कि आप मेरे मित्र हो, और वो हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करते इसलिए ना उसमें ना दास्य भाव आ जाता है, एकदम जॉली फ्रेंडशिप नहीं आता कि जिसको हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग जैसा बात करते हैं कि उसको हम लोग मारते भी है, टपली भी मारते हैं, उसको गले में हार्ट भी डालते हैं, उसका कोई चीज़ छीन भी लेते हैं, उसको भी बुरा नहीं लगता है, हमको भी वो चीज़ में आनंद आता है, ऐसा रिलेशन उसमें नहीं था वो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के साथ में या तो विभीषण के साथ में और सुग्रीव के साथ में। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान वो एक मिस कर रहे थे, और दूसरा चीज़ और एक मिस कर रहे थे कि वो जब जंगल से गुजर रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान सीता मैया के साथ में, तो अलग अलग ऋषि मुनि उस वक्त तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते वक्त उनके मन में एक ऐसा विचार आया था कि काश हम भी रामचंद्र भगवान को उसी तरह सेवा कर सके जैसे सीता मैया सेवा कर रही है, एकदम निकट जाके उसी भाव में उसी मूड में। तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान उस वक्त कहते हैं कि इस जन्म में मैं एक मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में आया हूँ, और इस जन्म में एक प्रति पत्नी का धर्म पालन करूँगा मैं, और एक से ज़्यादा किसी और को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इसलिए वो कहते हैं कि आप सबको मैं अगले जन्म में कृष्ण अवतार में मिलूँगा। तो अभी एक चीज़ दो चीज़ ऐड हो गया उनका, एक चीज़ मिट गया वात्सल्य रस का, मगर वो बोलते कि वात्सल्य रस मिलेगा तो चलेगा मगर मुझे साक्य रस, और अभी दूसरा है माधुर्य रस। माधुर्य रस में से जो फ्रेंडशिप जो हम लोग एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है या तो प्रेम आदान प्रदान होता है प्रेमी और प्रेम के इसके बीच में, तो वो उसको माधुर्य रस कहते हैं। तो उस वक्त अभी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान का अवतार ख़त्म होने के बाद जब कृष्ण भगवान के अवतार में आते हैं भगवान, तो उस वक्त भगवान वो माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं, साक्य रस का आस्वादन करते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री भगवान अपने वन में जाके अपने मित्रों के साथ इतना धमाल मचाते हैं, इतना मस्ती करते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि उनके मित्रों के साथ वो हारने में भी मजा लेते हैं,
कृष्ण भगवान के साथ वो जो उनका टिफिन छीनना, एक दूसरे का मुंह से भी निकाल के लेना वो खाना, भगवान एकदम बिंदास थे एकदम, मतलब। और उनके मित्र भी उनके सिर पे हाथ रखे बोलते तुझे मुझसे हारना पड़ेगा, उसको उसके हराते भी थे। और कृष्ण भगवान को भी हारने में बहुत मज़ा आता था अपने साथियों से उनके मित्रों से, तो उन्होंने बहुत अच्छा आनंद लिया था साके रस का, और उस वक्त माधुर्य रस का भी आनंद लिया था। और माधुर्य रस का आनंद लेते लेते भगवान को ये इच्छा जागृत हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एक प्रेम जो अपना जो गोपियाँ जो प्रेम करती है भगवान से, ये माधुर्य रस है। और इसमें प्रेम में कैसा है कि यानी कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या है मेरे चीज में जो मेरे चेहरे में, ये देख के सब अट्रैक्ट होते हैं मुझे। तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं खुद को देख नहीं सकता, मैं अगर देख सकता हूँ तो मैं अपने मिरर में, मतलब प्रतिबिंब में देखूँगा, मैं प्रतिबिंब में अगर देखता हूँ मैं तो मुझे मेरा चेहरा नज़र आएगा, मगर गोपियाँ जो मुझे देखती है और उनके मन में जो प्रेम और उनके आँखों में जो प्रेम आता है वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं देगा मैं जब मैं अपना चेहरा देखता हूँ मैं, क्योंकि वो प्रेम करने वाले से ही आपको मालूम पड़ेगा कि वो प्रेम सामने वाले से आ रहा है। आप खुद जब आईने में देखो तो आपको खुद के ऊपर प्रेम नहीं आता है, आपको हाँ ठीक है मैं सुंदर हूँ ऐसा दिख रहे हैं ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो उस वक्त भगवान को बोलते कि भगवान को ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ का भी टेस्ट मुझे रह गया, तब ये चीज़ का लोभ उन्होंने ऐड किया, वो चीज़ बोले ये चीज़ का लोभ ऐड करने के लिए फिर बाद में मुझे और एक जन्म लेना पड़ेगा। तो बोलते ठीक है बोला ये चीज़ मुझे ऐड करना, तो वो लिस्ट बनाते रहते लोभ का, जैसे कि हम लोग अपना लोभ का लिस्ट बनाते हैं ना कि गाड़ी लेना है इसको टिक मार करते, चेक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे सुंदर पत्नी बनना है चाहिए तो उसका एक चेक लिस्ट बनाते हैं, फिर बाद में अच्छे बच्चे चाहिए उसका एक चेक लिस्ट बनाते हैं, अच्छा घर चाहिए 2 BHK 2 BHK 3 BHK चाहिए उसका चेक लिस्ट बनाते, ऐसे भगवान अपना चेक लिस्ट बनाते हैं उस वक्त। ऐसा एक बहुत ही सुंदर लीला है जिसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ, जिसके बारे में भगवान का जो माधुर्य रस है उसमें और उमड़ के आता है। एक बार ऐसा हुआ था कि श्रीमती राधा रानी ने अपना एक कुंज मतलब उनका एक एरिया है जंगल में जिसको जहाँ पर एक छोटा सा तालाब है वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है गार्डन है, तो उसको एक कुंज कहा जाता है जहाँ पर श्रीमती राधा रानी ने अपना एरिया कुंज है उनका बहुत सुंदर सजाया था, उन्होंने अलग अलग फूलों से सुंदर सजाया था। उनके साथ उनकी अष्ट सखी थी, अष्ट सखी यानी कि श्रीमती राधा रानी की 8 एकदम मुख्य सखी है अष्ट सखी, उसमें से 2 और प्रमुख है सखी, उनका नाम है ललिता और दूसरे का नाम है विशाखा। और ऐसे कहा जाता है कि सभी 80 सखी वहाँ पर आए थे और श्रीमती राधा रानी को हेल्प कर रहे थे कुंज का उसका डेकोरेशन करने में। तो ऐसा वहाँ पर वर्णन आता है कि वो कुंज को उन्होंने अच्छे अच्छे फ्लावर से सजाया था, उस फ्लावर का नाम भी दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उसका फ्लावर का नाम है माधवी, मालती, यूवी, सपलिका, बेली, मल्लिका, जिनका बहुत ही सुगंधित रूप में वहाँ पर है ना उस वातावरण में उसका सुगंध आ रहा था। और एक ठंडा ब्रीज जैसे अभी हमको आ रहा है ठंडा ब्रीज, तो इससे भी बहुत अच्छा ठंडा ब्रीज कूल ब्रीज वहाँ पर वातावरण में फैल गया था और सब जगह से सुंदर वातावरण एकदम प्लेजेंट था एकदम। और उस वक्त राधा रानी कृष्ण भगवान का इंतज़ार करते हुए बोलते कि अभी कृष्ण आएंगे हम यहाँ पर उनका सेवा करेंगे इस हमारे कुंज पर। तो राधा रानी का तो उस वक्त विशाखा जब देखती है कि श्रीमती राधा रानी का भाव कि उनका मतलब अभी इंतज़ार कर रहे हैं राधा रानी, और इंतज़ार करते हुए वो सब जगह देख रहे हैं कि अभी आएंगे काना अभी आएंगे, वो तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार वो श्रीमती विशाखा देवी को ना उनको लगता है शायद अभी काफ़ी देर हो गया अभी आ जाना चाहिए कृष्ण मगर अभी तक आए नहीं है। तो उसको क्या करते हैं कि एक अपने एक इसको भेजती है वो दूती को भेजती है और बोलती है कि जाके देखो कि कृष्ण भगवान आए कि नहीं है, आए हैं तो वो कहाँ तक पहुँचे। तो दूती जाती है वन में और देखती रहती है कि कहाँ पर मिल गए काना, इस रास्ते से ही आते हैं वो हमेशा आते हैं, तो वो इस रास्ते से आगे जाती है तो आगे जाके देखती है तो वहाँ पर उसको एक सैबिया बोल के मिलती है। वो सैबिया जो रहती है वो दूसरे ग्रुप में से आती है, दूसरा ग्रुप मतलब एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है चंद्रवली का।
चंद्रवली एक अलग ग्रुप है और श्रीमती राधारानी का एक अलग ग्रुप है और उनके सखीज उनके अलग सखी और इनके सखीज अलग है। तो सैब्य जो बिलोंग करती है चंद्रवली के सखी ग्रुप को बिलोंग करती है। तो वहाँ पर वो धोती पूछती है सैब्य को, क्या तुमने काना को देखा है? तो सैब्य को बहुत आनंद आता है, बोला अभी इसको मजा लेते हैं, कृष्णा भगवान तो हमारे पास है, अभी इनको बता दे कृष्णा भगवान हमारे, तो इनको कितना जलीसी फील होगा और इसका आनंद हम लोग लेते हैं। तो सैब्य बोलते हैं हाँ वो तो अभी तो हम चंद्रवली के साथ वो हमारे कुंज में वो वहाँ पर विहार कर रहे हैं और हम लोग वहाँ पर बहुत आनंद से अभी तो उनका सेवा किया था। तो ये सुनती है धोती और धोती सुन के वहाँ से उसको भी बहुत गुस्सा आता है मन में कि हम यहाँ पर इतना सुंदर सजाया है भगवान के लिए, भगवान वहाँ पर आनंद ले रहे हैं चंद्रवली के साथ में। तो धोती आती है फिर से आके विशाखा को इन्फॉर्म करती है और विशाखा को इन्फॉर्म करते तो विशाखा एकदम गुस्सा हो जाती है, ये तो धोखेबाज है, ये तो नटखट है मगर इतना धोखेबाज है, इसका तो विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय है। और ये सुन के ना ललिता को उसको बोलती है थोड़ा ठंड रखो, तुम इतना गुस्सा मत हो, मगर गुस्से में एकदम जाती है और जाके श्रीमती राधारानी को बताती है कि कृष्णा भगवान हमारे कुंज में नहीं आते हुए वो चंद्रवली के कुंज में जाके बैठे हैं, चंद्रवली के कुंज में जाके बैठे। ये सुन के ना श्रीमती राधारानी है एकदम उसको इतना दुख होता है और इतना एकदम वो ज़मीन पे गिर जाती है और बोलती कि अब कान्हा मुझसे नहीं मिलेंगे, वो यहाँ पर नहीं आएंगे, ये वो मन में बना लेती है और बहुत दुखी हो जाती है। और उसका ये अवस्था देखे वो अपना दोनों सखी है जो ललिता विशाखा उनको दोनों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसमें एक दोनों का मूड एक अलग अलग है, यहाँ पर श्रीमती राधारानी का मूड अलग है और चंद्रवली का मूड अलग है। श्रीमती राधारानी का मूड ऐसा है कि वो कहती है कि कान्हा तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो, कृष्णा यू बिलोंग्स टू मी, आप मेरे हो किसी के नहीं हो। और चंद्रवली का मूड ऐसा है कि भगवान कान्हा आई बिलोंग टू यू, मैं आपको बिलोंग करती हूँ, और राधारानी का ये मूड है कि कृष्णा सिर्फ मेरे और किसी के नहीं है। तो ये दोनों में काफ़ी फ़र्क है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि एक पिता आया उसको बच्चे का उसको लालन पोषण करना है, तो पिता को पता है कि ये बेटा मेरा है, वो किसी और को बिलोंग नहीं करता है, तो मेरा इस पर पूरा हक है और मुझे इससे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको कैसा संस्कार देना है, इसको कैसे स्कूल में भेजना है, इसका क्या चीज़ का ख्याल रखना है, ये सब चीज़ मेरा चीज़ है, ज़िम्मेदारी है। और दूसरी तरफ हम जब कहते हैं कि आई बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू यू मतलब हम सामने वाले के ऊपर है ना जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि है ना मैं आपको बिलोंग करती हूँ तो इसका आपका जिम्मेदारी कि आप मेरा ख्याल रखो। तो ये दोनों मूड में फ़र्क है, चंद्रवली का और ये श्रीमती राधारानी का, दोनों का मूड का अलग अलग फ़र्क है। वृंदावन में सिर्फ राधारानी ही माधुर्य रस की ऊँचाई स्तर पर उसको अचीव किया, मतलब माधुर्य रस का जो टॉप मोस्ट जो स्तर है वो श्रीमती राधारानी का स्तर है और किसी और का स्तर नहीं है, ना ही वो किसी और गोपी का स्तर है, ना ही वो चंद्रवली का स्तर है या ना कोई और गोपी का स्तर है। इसे कहा जाता है कि गोविंद नंदिनी राधा गोविंद न मोहिनी गोविंद सर्व गोविंद सर्वस्व सर्व कांत शिरोमणि। इसका मतलब ये कि राधा ही जो गोविंदा को आनंद देती है, राधा रानी ही एक है जो कृष्णा को आकर्षित करती है और राधा रानी ही एक है सर्वस्व जो कृष्णा के लिए बनी हुई है। तो मतलब जो ऑल अट्रैक्टिव है गोविंद मोहिनी, मतलब गोविंद को भी वो मोहिनी मोहित करती है, वो गोविंद मोहिनी श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी का जो मूड है वो कृष्णा का, मैंने आपको बताया था कि राधा रानी कहते कि कृष्णा सिर्फ मेरे और चंद्रवली का मूड है कि कृष्णा आई बिलोंग टू यू। तो इसमें राधा रानी का जो मूड अब बहुत एकदम ऊँचे स्तर पर गया था और राधा रानी एकदम ज़मीन पर गिर के एक हाथ से वो ज़मीन पर कुछ मिट्टी पर लिखती रहती है और कहती है कि मेरे प्राण धन कान्हा आप अगर यहाँ पर नहीं आ रहे हो तो मुझे अपना प्राण त्यागना पड़ेगा। उस लेवल पे राधा रानी चली जाती है कि उसको लगता है कि अभी कान्हा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, वो चंद्रवली के साथ है तो उधर ही रहेंगे, मेरे कुंज में कभी नहीं आएंगे। और ये अवस्था देख के राधा ललिता विशाखा को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो श्रीमती राधा रानी के सर्वेंट हैं, क्लोज सर्वेंट हैं और उनको वो दिखा नहीं जाता है। तो उस वक्त थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कान्हा आते हैं कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान आके बोलते हैं कि सॉरी मुझे लेट हो गया, मैं कुछ और काम में व्यस्त था,
जैसे कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि सॉरी मुझे माफ़ करता हूँ, मैं कोई और काम नहीं रिश्ता है, मुझे आने को लेट होगा। मगर उस वक्त ललिता और विशाखा, ये ललिता और विशाखा में ललिता थोड़ा शांत सब, विशाखा थोड़ा सा एग्रेसिव है, और एग्रेसिवनेस उसका इसलिए है कि उसको श्रीमती राधा रानी का जो दुख है वो उसको सहन नहीं हो रहा है। तो ऐसा एग्रेसिवनेस इसलिए वो है कि वो कृष्णा भगवान की वजह से हुआ है, इसलिए वो कृष्णा भगवान के ऊपर बरसती है। तुम तो कुछ, तुम्हारे ऊपर तो कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है, तुम्हारे ऊपर तुम भरोसे के लायक नहीं हो, और एक तो तुम आए क्यों यहाँ पर, जहाँ पर थे उधर क्यों नहीं गए, यहाँ पर आने का तुम्हारा क्या ज़रूरत था। तो ऐसे हम कहते हैं ना, मतलब तो एक पत्नी जब अपने पति को कहती है, ये सब कॉमन डायलॉग्स है लेडीज़ में, तो सेम विशाखा माँ विशाखा कहती है कृष्णा भगवान को। तो उस वक्त कृष्णा भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं सही में मुझे गलती का एहसास हो रहा है, मुझे वहाँ पर नहीं जाना था, मगर वहाँ पर मैं जा इसलिए गया था कि मैं थोड़ा राधा रानी को चिढ़ा सकूँ, और कोई और मेरा उद्देश्य नहीं था। तुम चिढ़ा सको, यहाँ पर राधा रानी का प्राण जाने वाला है, और तुमको चिढ़ाना राधा रानी को, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। बोलते नहीं नहीं, राधा रानी को कहूँ कि मैं आ गया हूँ, मेरा श्याम सुंदर रूप देख के वो आनंद हो जाएंगे। ऐसा सुनते तो ललिता और ईशा को और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा शांत सुंदर रूप को देख के राधा रानी एकदम शांत हो जाएगी, तुम क्या अपने आप को बहुत बड़े हीरो समझते हो क्या? तो राधा रानी, कृष्णा भगवान कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, राधा रानी को मेरा श्याम सुंदर रूप बहुत पसंद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि श्याम सुंदर रूप मेरा देखे वो शांत हो जाएगी। बोले नहीं नहीं, वो शांत वगैरह कुछ नहीं सुनना है यहाँ पर, आप थोड़ा यहाँ से चले जाओ। तुमको क्या लगता है कि तुमने कामदेव को हरा दिया है? कामदेव एक बार तुमको देखने को, तुम्हारे दर्शन करने आ गए थे, और तुम इतने सुंदर हो ये देख कर कामदेव मूर्छित हो गए थे, तो तभी से तुम्हारा नाम मदन मोहन पड़ गया है। पर आप ये मत भूलो कि श्रीमती राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी है, जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो आप सबको अट्रैक्ट करते हो, मगर श्रीमती राधा रानी आपको अट्रैक्ट करती है। आपका अट्रैक्शन श्रीमती राधा रानी की तरफ है, इसलिए राधा रानी को आपका ज़रूरत नहीं, आपको श्रीमती राधा रानी का ज़रूरत है, ऐसे कहती है। तो उसको यहाँ से भगा देती है। तो कृष्णा भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं, कृष्ण भगवान दुखी होते हैं, और यमुना के बैंक पे, मतलब वो किनारे जाते हैं, वहाँ पर सही में उनको वीरा का जो एक्सपीरियंस होने लगता कि श्रीमती राधा रानी को मैंने यूं ही उसको तकलीफ़ दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो भी एकदम गुस्सा होते हैं। तो हम लोग क्या, जब ज़्यादा सुंदर सस्ते और कुछ हमको दुखी होता तो हम क्या कहते हैं, अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह सब निकालते हैं, मोर पीस निकालते हैं, वो सब डाल देते हैं वहाँ पर। तो उससे कृष्णा भगवान सब कर रहे थे, वो सब करके वहाँ पर फेंक दिया उन्होंने। तो उस वक्त वहाँ पर ये अपना ये आती है वहाँ पर, उनका नाम क्या है, योगमाया शक्ति, भगवान की जो योगमाया शक्ति है वो आती है, और योगमाया शक्ति का एक ही काम है कि भगवान को आनंद देना। वहाँ उनका नाम है पूर्णमासी, वृंदावन में पूर्णमासी जो है योगमाया शक्ति के रूप में आती है, और वो कृष्णा भगवान को कहती है कि उनको पता है सब क्या हुआ है, और कृष्णा भगवान की इच्छा के हिसाब से ही वो जो लीला का जो अरेंजमेंट है वो योगमाया शक्ति करती है वहाँ पर वृंदावन में। तो कृष्णा भगवान को पूछती है कि आपको क्या हो गया है कृष्णा, आप कितने दुखी क्यों हो? तो कृष्णा भगवान सारा वर्णन उनको करके बताते हैं कि ऐसा सा हुआ था, और मैंने श्रीमती राधा रानी को काफ़ी दुखी कर दिया, इसलिए अभी वो यहाँ पर मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ, और मुझे उनसे कैसे भी मिलना है। तो योगमाया शक्ति बोलती है कि ठीक है, मैं वृंदावरेश्वरी को भेजती हूँ यहाँ पर, जो वृंदा देवी है इस वृंदावन की, वो आपको मदद करेगी इस चीज़ में कि आपको कैसा वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो वहाँ पर वृंदा देवी प्रकट होती है और कृष्णा से कहती है कि मुझे प्रभु आप बताइए कि आपको ये जो राधा रानी का जो रूठना है और उसका जो गुस्सा है कैसा कम करना है? मुझे नहीं लगता कि उनका गुस्सा इतना ईजिली कम होगा, मगर मैं जो आपको कहती हूँ आपको ना वो ऐसा करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये सुंदर रूप है ना उसका ना आपको त्याग करना पड़ेगा, ये जो श्याम वर्णन है ना उसको त्याग करना पड़ेगा, ये सुंदर जो करली केस है ना, केरली बाल है ना, उसका भी आपको त्याग करना पड़ेगा, और आपका जो पीताम्बर धोती आपने जो पहना है उसका भी आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये केसों का त्याग करके ना आपको ना पूरा ना जो सन्यासी होता है ना पूरा टक्कल होता है ऐसा आपको ना पूरा टक्कल करना पड़ेगा, आपका आपको सन्यासी का वेश धारण करना पड़ेगा, और आपका जो कलर आपको चेंज करना पड़ेगा, वो आपको गोल्डन कलर में आना पड़ेगा, और ये गोल्डन कलर लेके मैं आपको एक सॉन्ग सिखाती हूँ,
और वो आप गाना आप सीखिए और ये गाना सीख के ना आप है ना वहाँ पर जाके आप गाइए और ये गाने के बाद आपका ना वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होने का गेट है ना सब धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। तो कृष्णा महोदय ठीक है, अगर ये सॉन्ग सीखने से अगर मेरा वेशभूषा अगर मैं चेंज करने से होता है तो ठीक है। तो वृंदा देवी बोलती है उनको कि आपको ना एक भिक्षुक का रूप आप धारण कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि आप सन्यासी हो, भिक्षुक का रूप धारण कर रहे हो और भिक्षुक क्या है आपका, आपको प्रेम का भिक्षा मांगना है, ये भिक्षुक का रूप है आपका, ये आप धारण करके वहाँ पर जाना है। तो एक भिक्षुक का रूप धारण करके वो वहाँ पर जाते हैं तो श्रीमती राधा रानी का जो वो बोलते कि श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए जो सॉन्ग बताती है उनको, तो वो सॉन्ग यहाँ पर दिया मैं आपको बताता हूँ। श्रीमती राधा बड़ा अभिमानी रम्य भाव शिरोमणि श्याम सरी अंगे अच्छना तव तप्त कांचन वर्ण यत दीन चिले पगलीन राय कनु कानू प्रेम प्राण संपी सर्वरूपे गुणे अगो गंधर्विका कानू मान करी चूरी। करी चूरी मतलब वो अपना माधुरी करते ना तो काई चूरी ऐसा है। अजी अजी राधा प्रेम भिक्षा मांगी कानू फिरे द्वारे द्वारे हया मतलब द्वार द्वार फिर रहे कानू, तो ये उसका मतलब होता है। तो यहाँ ये गाना आपको गाना है और श्रीमती राधा रानी के पास जाना है तो वहाँ पर आप जाइए। तो कृष्णा फिर राधा रानी के कुंज के वहाँ पर चलते जाते हैं, अपना पूरा वेशभूषा चेंज करते हैं, सन्यासी ग्रुप में जाते हैं और वहाँ पर हाथ में वीणा लेके वो गाना चालू कर देते हैं। तो राधा इसका मतलब कैसे है कि स्टार्टिंग ऑफ श्रीमती राधा बड़ा अभिमानी राधा भाव शिरोमणि राधा तुम रूठने का ये जो स्वभाव है ये तुम्हारा बहुत बड़ा है, मतलब उसको जब आप रूठती है तो उसको मनाना बहुत मुश्किल बन जाता है। तुम एक शिरोमणि हो और गुस्सा करने में बहुत माहिर हो, तो आपका गुस्सा करने में आप शिरोमणि हो मतलब एकदम एक्सपर्ट हो उसमें। तुम नीले साड़ी पहनने वाली एक स्त्री मतलब राधा रानी का जो वर्णन होंगे उन्हें पीला साड़ी पहने हैं और इसमें आपका जो तप्त कांचन कब तक तप्त कांचन मतलब तपता हुआ जो सोना है वो ऐसा गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है आपका, तो उसमें बहुत उभर के आता है आपका और इतने सुंदर आप दिखती हो। तो तुम्हारे जो कृष्ण प्रेम से काना ना मान और दिल ना चुराया मतलब तुम्हारे कृष्ण प्रेम से काना का जो मन में काना के मन में जो आपने जो अपना प्रेम का जो ये स्थान बनाया है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि काना के मन में आपका जो प्रेम है बहुत ही बड़ा अद्भुत है, ये उसका गाना के मतलब ये सॉन्ग का मतलब होता है। तो कृष्ण भगवान ये गाते रटते रहते वहाँ पर कुंज पे पहुँच जाते हैं और कुंज के द्वारपाल पे वहाँ पर ललिता विशाखा देखते हैं, ललिता विशाखा देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत सुंदर गाना है आप गा रहे हो, आपको किसने बताया ये गाना, आपको किसके सिखाया आपको गाना। तो साधु जो कृष्ण भगवान है वहाँ पर साधु के वेश में थे वो बोलते कि ये मेरे गुरु महाराज ने सिखाया और बोलते गुरु महाराज का नाम गंधर्विका है, तो गंधर्विका नाम का मेरे गुरु है और उन्होंने मुझे सॉन्ग सिखाया। तो बोले ठीक है, मगर आप यहाँ पर आए क्यों हो, ये विशाखा पूछती है कि आप यहाँ पर आए क्यों और तुम्हारा क्या इच्छा है। तो बोलते कि मैं तो एक साधु हूँ, मेरा कोई इच्छा नहीं है भौतिक इच्छा, मैं तो एक साधु भिक्षुक रूप में हूँ और मुझे खाली भिक्षा चाहिए। बोले क्या भिक्षा चाहिए, बोले मुझे कृष्ण प्रेम राधा प्रेम का भिक्षा चाहिए। बोला हाँ तो आप सही जगह पे आए हो, मगर आपको उसके लिए अगर भिक्षा चाहिए आपको प्रेम का तो उसके आपको एक काम करना पड़ेगा। बोला क्या है, हमारी जो सखी है राधा रानी वो बहुत अभी दुखी है और उसके मन में बहुत बड़ा है ना दुख का पहाड़ पड़ा हुआ है, तो आप उसको हाथ देख के आप बताइए कि उसका दुख कभी दूर होगा। आपने हाथ पढ़ने आता है आपको, हाँ मुझे हाथ पढ़ने आता है, मेरे गुरु ने सिखाया मुझे गंधर्वी का गुरु ने सिखाया। बोला ठीक है बेटा, तो कुंज के अंदर उसको एंट्री मिल जाता है, कृष्ण भगवान वहाँ पर आते हैं वहाँ पर बैठते हैं और श्रीमती राधा रानी को लोग मनाते हैं कि एक बहुत ही अच्छे साधु आए हैं, दो सुनो कि वो बहुत अच्छा गाते भी है और वो प्रेम के भिक्षुक है और आपका हाथ देखना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि आपका दुख दूर हो जाए। तो श्रीमती राधा रानी वहाँ पर ज़मीन पर पड़े हुए और वो कुछ उनको सुना नहीं रहता है और वो तैयार नहीं होते वहाँ पर आने के लिए। तो कृष्ण भगवान जैसे ही गाते हैं वो लास्ट का टू लाइन्स कि सर्वरूपे गुणे अगो गंधर्विका कानू माना करी चूरी हरी राधा प्रेम भिक्षा मागी कानू फिरे द्वारे द्वारे हरी, ये सुनते ही राधा रानी के मन में एकदम आंसू बहने लगते हैं और तब राधा रानी ये श्लोक बोलती है
अलिश्यावात पद रतम पिनस्तु माम अदर्शना मर्म अतम करोतु वा यता तथा व विदता लम पटो मा प्राणात नतस्तु स्व एम ना परा। ये एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम का ये लास्ट श्लोक है जिसमें शिष्टाष्टकम में लिखते हैं, और ये श्लोक एक्चुअली श्रीमती राधा रानी ने उस मूड में गाया था जब कृष्णा भगवान का जो लास्ट टू लाइन सुनती है तभी उसका एकदम मन में ये आता है श्लोक। और इसका मतलब ऐसा है कि भगवान आप मुझे लात मारो या तो मुझे आप एम्ब्रेस करो, आप मुझे आपके विरह में जलता हुआ अग्नि में डाल दो, या तो आप मुझे हमेशा के लिए कोई मुझसे हमेशा दूर हो जाओ, मगर आप मुझे कभी प्रेम मत करो तो भी चलेगा, मगर मैं आपसे हमेशा प्रेम करते रहूँगा, ये मेरा स्वभाव रहेगा, और ये मुझसे आप मत छीनो। ये श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वही श्रीमती वही चैतन्य महाप्रभु सेम टू सेम इसमें शिष्टाष्टकम में लिखते हैं। यहाँ पर अभी वहाँ पर क्या होता है कि श्रीमती राधा रानी को उठती है अभी, बोले ये तो बहुत ही अच्छा लाइन है साधु ने गाया है, तो उठती है मगर श्रीमती राधा रानी का अपना चेहरा ना वो पल्लू से ढकती है उस वक्त। और ललिता विशाखा कहते हैं कि साधु को कि हमारी श्रीमती राधा रानी का जो चेहरा है ना उसी पर ना काना को दिखाती है और किसी और पर पुरुष को नहीं दिखाती है। तो उसका हाथ हाथ देख लीजिए और अब बताइए इसके ऐसा दुख कभी कम दूर का हुआ। तो हाथ आगे करती है ललिता विशाखा, उसका हाथ लेके आगे करती है। तो साधु कहते हैं कि मुझे हाथ पढ़ना तो नहीं आता है, मगर मुझे ना क्योंकि हाथ में हाथ एक स्त्री को नहीं लगा सकता, मैं एक साधु हूँ, मैं किसी स्त्री का हाथ पकड़ के मैं कैसे उसका लाइंस चेक कर सकता, हाथ पढ़ना तो आता है मगर मुझे किसी स्त्री का मैं हाथ पकड़ के चेक नहीं कर सकता। हाँ मैं दूसरा एक चीज़ कर सकता हूँ कि आप श्रीमती राधा रानी का पल्लू उठाइए, उसका जो माथे में जो लकीर है ना वो पढ़ के मैं सुनाऊँगा कि बताऊँगा कि इसका क्या आगे होने वाला है। तो बोलते हैं नहीं मगर श्रीमती राधा रानी तो किसी पर पुरुष के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती है। बोले नहीं नहीं आप घबराइए मत, मेरे में कोई चीज़ का लोभ नहीं है, मैं एक साधु हूँ, मैं एक विरक्त हूँ, मैंने सभी चीज़ को भी त्याग के मैं साधु का वेश लिया है, मैं सिर्फ एक भिक्षुक हूँ। तो मेरे सामने उनका चेहरा आपको दिखाने से मुझे कुछ इसका अट्रैक्शन नहीं होगा और मुझे कुछ ये नहीं होगा, मैं माया में नहीं फंसूँगा। बोले ठीक है, बोले साधु है तो साधु को दिखाते हो तो चेहरा दिखाते हैं। वो चेहरा जैसे दिखाते हैं श्रीमती राधा रानी का तो कृष्णा भगवान अपने जैसे श्रीमती राधा रानी का आँख खुल जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, वो अपना रूप ढक नहीं सकते श्रीमती राधा रानी के सामने। हाँ तो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं, श्याम वर्ण में आते हैं, और श्रीमती राधा रानी देखे उनको मुस्कराती है, वो मुस्कराती है और श्रीमती राधा रानी का मुस्कुराहट देखे ललिता विशाखा ये भी गुस्से जो गुस्से में रहते हैं एकदम शांत हो जाती है। अभी यहाँ पर जो ये जो मूड है श्रीमती राधा रानी का कि मुझे सेपरेशन फील हुआ था, मुझे बहुत दुख हुआ था, इसका एक्चुअली ललिता विशाखा ऑलरेडी कहते हैं कृष्णा भगवान को कि आपको भी ये दुख का सब सामना करना पड़ेगा। कृष्णा भगवान जब द्वार पर पहले आते हैं ना राधा रानी को मिले तभी उनको गुस्से में बोल देते कि आपको भी ये रोना पड़ेगा, आपको भी ये करना पड़ेगा। तो कृष्णा भगवान अभी ये सब चीज़ है उसको चेकलिस्ट में डाल देते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि कृष्णा भगवान ने एक चेकलिस्ट बनाया था, वो चेकलिस्ट में डाल के उन्होंने कि ये सब चीज़ का आस्वादन करना है मुझे। इस चीज़ का आस्वादन करने के लिए अभी विशाखा ने मुझे बोला कि तुम भी रोते रहोगे। तो महाप्रभु के अवतार में उन्होंने कम से कम गंभीरा में एक 8 से 9 साल वो गंभीरा के अंदर ही थे और वहाँ पर एकदम रोते हुए थे और वो वीरा का एकदम एक्सपीरियंस कर रहे थे श्रीमती राधा रानी के मूड में कृष्ण भगवान का, वही मूड लेके आए थे, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन लेके आए थे, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए थे, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम कृष्णा के प्रति है ऐसा क्यों है, इतना अट्रैक्शन क्यों है, वो सारा चीज़ वो मूड में आए थे। और साथ ही साथ सारे विश्व में उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया था, युग धर्म का स्थापना किया था, और ये चीज़ हरिनाम चीज़ जो हमको आज श्रील प्रभुपाद के माध्यम से इस्कॉन में हमको मिला है। तो इस तरह मैं आज का लेक्चर का एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब का आशीर्वाद है मेरे साथ, इसलिए आप सबको इस कथा में ज़रूर आनंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।